हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन की बात करें तो 1% के ऊपर की गिरावट के साथ फिलहाल स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। 40 के लेवल से स्टॉक ने हमको रिजेक्शन बता के 27 के लेवल से बाउंस बैक हुआ है, और जब बाउंस बैक हुआ है तो हम देख सकते हैं 30 के लेवल पर लगातार स्टॉक रिजेक्शन फेस करता हुआ नज़र आ रहा है, और स्टॉक जो अब ऊपर की ओर सस्टेन हो रहा है। लेकिन यहाँ हमको इंतज़ार करना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर रिजेक्शन लेकर बड़ी गिरावट होती है तो ऐसे कंडीशन में अब इमीडिएट सपोर्ट बनने वाला है 2850 का लेवल। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो तगड़े सपोर्ट का काम करेगा 27 का लेवल, और अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो गया 27 का सपोर्ट लेवल तो वैसे कंडीशन में 24 तक की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अगर बाउंस बैक के साथ 30 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो अगला टारगेट बनेगा 3250 का लेवल, और इसको ब्रेकआउट करता है तो 34 का लेवल है। 34 के लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा बड़ी तेज़ी के लिए। अगर रिकवरी आती है तो 34 तक की हमको रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है, और अगर गिरावट आती है अपने लो को ब्रेक डाउन कर जाता है तो 24 तक की भी गिरावट आलोक इंडस्ट्रीज़ में हमको देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।